मेरे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करिए जीत ग्राफिक को और इस बेल बटन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आज नया टॉपिक के साथ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोरल ड्रॉ 19 में एक और बिजनेस कार्ड डिजाइन कैसे बनाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। न्यू पेज लेंगे, देख सकते हो कंट्रोल एन भी करेंगे, इस तरीके से आ जाएगा और हम साइज यहाँ से ले लेते हैं। देख सकते हो बिजनेस कार्ड साइज आ गया है, इसको ओके कर देंगे और यहाँ पे हम मार्जिन जैसे हर बार की तरह हम सेट कर लेते हैं। देख सकते हो कंट्रोल और यहाँ पे कर देंगे हम 3 mm, इस तरीके से आ गया है और वन बाय वन हम लगा लेते हैं। हमने लगा लिया है और इसको फिर सिलेक्ट करके यहाँ से ब्रेक करेंगे, ब्रेक हो गया और इसको डिलीट कर देंगे। अब हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे और पेस्ट इसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे। ठीक है, ये ठीक है और फिर इसको भी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट में देख सकते हो जाके और यहाँ पे आके फिर कर्व कर देंगे या कंट्रोल क्यू भी प्रेस करेंगे तो हो जाएगा। और इसको हम यहाँ पे छोटा कर लेंगे और इसको हम इस तरीके से रख लेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे, ये ठीक है। फिलहाल थोड़ा सा और कर लेते हैं, ये ठीक है। और फिर हम इसी को कॉपी कर लें या फिर इसको कॉपी करके फिर एक और बना लेते हैं, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, फिर इसको हम यहाँ तक लेके आते हैं और फिर इसको सेम वही करेंगे कंट्रोल क्यू और फिर इसको यहाँ तक लेके आएंगे। और फिर थोड़ा सा इस तरीके से कर देंगे, थोड़ा पतला होना चाहिए, ये बहुत चौड़ा है। दोनों को सिलेक्ट करके इस तरीके से हम पतला कर लेंगे और ये यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे ज्यादा जगह बच रहा है इस साइड में, इसको थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ा लेंगे, ये ठीक है। अब हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी और पेस्ट, इसको लेके इसको यहाँ पे इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा नीचे लेंगे, इसको हमेशा शेप टूल से करेंगे तो ये हमारा शेप नहीं बिगड़ेगा फ्रेंड, अगर वैसे करेंगे तो हमारा ये बिगड़ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे, ये हो गया फ्रेंड। अब फिर इसको हम सिलेक्ट करके और यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है, और हम इसको और ऊपर कर लेंगे और फिर इसको भी हम इस चिपका देंगे। अब हमारा बच जाएगा यहाँ पे एक और स्कूल, ले लेंगे कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कॉपी और पेस्ट, और फिर इसको हम यहाँ पे रख लेंगे और छोटा करेंगे इस तरीके से, और फिर इसको हम इस तरीके से कर लेंगे, हो गया ये थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे जिससे हमारा ये गैप जो है वो बराबर देखिए इस तरीके से ये बन गया फ्रेंड। अब हम इसमें कलर करते हैं फ्रेंड, इसमें फिलहाल पूरा ब्लैक रखेंगे, आउटलाइन भी ब्लैक, ठीक है, और इसमें हम रेड रखेंगे, ये रेड ठीक है, और फिर इसमें भी यही रेड, और इसको हम फिलहाल थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं ऑर्डर करके बैक, ठीक है,
और फिर इसमें भी हम रेड रखते हैं और फिर थोड़ा सा इसमें एडिट करते हैं रेड। इसमें हम ये रखेंगे रेड, बहुत ज्यादा रेड हो गया ये यहाँ पे ठीक है। और फिर ऑल सिलेक्ट करके हम नन करते हैं ये ऑप्शन, ये ठीक है फिलहाल। अब हम इसको ऑर्डर जाके इसको फ्रंट कर देंगे, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अब दोस्तों इसमें जो हमने आइकन लगाने हैं और लोगो लगाने हैं उसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन, ये देख सकते हो लोगो आइकन है, आप भी जहाँ डाउनलोड किए होंगे वहां से आप ले सकते हो। इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, इसको हम इस तरीके से रख देंगे यहाँ पे। और लोगो कहाँ हमारा, ये रहा है, ये हमारा लोगो, इसको हम ऊपर यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा छोटा कर लेंगे। फिलहाल ठीक है, और इसको थोड़ा सा नीचे रखेंगे, और ऐसे सीरियल में ही आप रख सकते हो वन बाय वन, थोड़ा सा करके नीचे थोड़ा सा ये ऊपर नीचे, इस तरीके से आप वन बाय वन रख सकते हैं। और ठीक है, अब टैग्स लेते हैं फ्रेंड, यहाँ से ये देख सकते हैं, इसको कट कर लेंगे और फिर हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और फॉन्ट चेंज कर देंगे। फ्रेंड यहाँ पे हम ले लेंगे ठीक है, और इसको 8 PT करेंगे, ये ठीक है, और फिर इसको व्हाइट कर देंगे और इसको इसके सीध में यहाँ पे लेके आ जाएंगे, फिर इसको प्लस करेंगे और फिर एक नीचे लेके आ जाएंगे, फिर प्लस करेंगे, इसको नीचे लेके आ जाएंगे, फिर प्लस करेंगे, एक नीचे लेके आ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जितने हैं हमारे, ये यहाँ पे एड्रेस आप डाल सकते हो, ये ले सकते हो, राइट से कर देंगे, राइट ठीक है, राइट हो जाएगा। अब यहाँ से कॉपी और ये पेस्ट करोगे तो हिलेगा नहीं फ्रेंड, देख सकते हो जैसे हमारा ऊपर वाला हिला था, अब ये नहीं हिलेगा। अब इसको भी हम सिलेक्ट करके पेस्ट कर देंगे, इस तरीके से हमारा पेस्ट हो गया है। अब हम नाम ले लेंगे और ये डिजाइनेशन ठीक है, इसको कट कर लेंगे और फिर यहाँ पे हम टैग लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। इसमें भी हम प्रॉक्सिमा नोवा ही लगाएंगे फ्रेंड, देख सकते हैं प्रॉक्सिमा नोवा, और इसको बोल्ड करेंगे और इसको हम 10 या 11 PT रखते हैं फिलहाल, ये 11 ठीक है, और फिर इसको हम 8 PT रखेंगे और इसको अनबोल्ड रख लेंगे ठीक है, और इन दोनों को फिर राइट अलाइन कर देंगे इस तरीके से, और फिर यहाँ पे रखेंगे हम यहाँ पे, और इसको हम फिर रेड कलर कर देते हैं और फिर एक पट्टी ले लेते हैं यहाँ से इस तरीके से, ये इस तरीके से थोड़ा सा मार्जिन के बाहर रहे तो अच्छा है, और इसको भी रेड कर देंगे और आउटलाइन नन कर देंगे, बड़ा कर देंगे, देख सकते हो फ्रंट, ये हमारा फ्रंट का बन चुका है। अब हम बैक का बनाते हैं फ्रंट, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे और यहाँ से एक प्लस कर लेंगे एक, और यहाँ पे एक, और फिर यही सेम रेड कर देंगे, आउटलाइन नन कर देंगे और सिर्फ लोगो लगा देंगे, यहाँ से जाएंगे। अब हम लोगो लेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ दूसरे पेज पे जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और थोड़ा सा लोगो को बड़ा कर देंगे और ग्रुप करके फिर इसको सेलेक्ट करके सी और ई कर देंगे सेंटर में। ये हमारा फ्रेंड बिजनेस कार्ड डिजाइन बन गया है, आप इसको कहीं भी सेव कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे हम, मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ, बिजनेस कार्ड डिजाइन ठीक है, ये इस तरीके से हमारा।
देख सकते हो फ्रेंड कितनी आसानी से हमने ये बिजनेस कार्ड डिजाइन बना लिया है। अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो फ्री में clickforvector.com पे आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर YouTube पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक और कमेंट करें। दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।